नमस्कार दोस्तों, हॉरर कहानियों की सीरीज़ में आपका स्वागत है और आपके लिए एक छलावे वाली हॉरर कहानी लेकर के आए हैं। एकदम से वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों एक छोटा सा निवेदन है, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि दोस्तों ऐसी ही आपको वीडियो मिलती रहे देखने को। तो दोस्तों ये जो कहानी है जगन और अन्नू की, अन्नू और जगन पति पत्नी होते हैं और कैसे होटल में जाते हैं और इनके साथ कैसे छलावा होता है। तो एक दिन की बात है, बहुत दिन हो गए रहते हैं अनु और जगन को बाहर कहीं नाइट आउट वगैरह ऐसे किए हुए, क्योंकि फैमिली में रहते हैं तो उस तरीके से उतनी चीज़ें नहीं टाइम मिल पाता था। तो ये लोग सोचते हैं, एक दिन प्लान करते हैं कि दोनों चलो बाहर चलते हैं, किसी दिन होटल वगैरह में रुकेंगे और अच्छे से एकदम एक दूसरे से प्यार करेंगे। तो ऐसे करके अनु भी राजी हो जाती है, हाँ चलो ठीक है ऐसा करते हैं। और क्योंकि उनके फैमिली में बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, फिर भी जो जगन के भैया थे, भाभी थी और भाभी के इनके जो दो बच्चे थे और मम्मी पापा, सब ऐसे थे फैमिली में, जिससे कि इन लोगों को लगता था कि हाँ कभी हम लोगों को अकेले में ऐसी रात बितानी चाहिए घर से बाहर। तो इस तरीके से प्लान बनाते हैं और एक दिन डिसाइड होता है कि चलो हम इस दिन चलेंगे। और मैक्सिमम करके जो दिन था वो ये हुआ कि जगन जो है अपने ऑफिस से उसको छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देता है, बट छुट्टी जो होती है उसकी मंजूर नहीं होती है। इसकी वजह से वो कोशिश करता है कि चलो सैटरडे को नाइट आउट करते हैं और सैटरडे को ही चला जाएगा। तो अनु भी तैयार हो जाती है, एकदम बहुत एक्साइटेड रहते हैं दोनों के दोनों। और अनु जो है अपने घर पे ही बता देती है कि किसी फ्रेंड वगैरह के बारे में ये नहीं बोलती है कि हम होटल में नाइट आउट करने जा रहे हैं। तो अपने घर में बताती है कि मम्मी जी हमें एक फ्रेंड की पार्टी में जाना है, तो इसलिए हम सैटरडे को नहीं रहेंगे। तो इसके घर वालों को भी कोई वो नहीं रहता कि चलो ठीक है। जगन के जो मम्मी पापा बोलते हैं कि कोई बात नहीं चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से जो है पहले से ही सब कुछ प्लान पूरा एकदम से रेडी रहता है। अब वो सैटरडे की जो है नाइट आती है और सब कुछ शाम को तैयार रहती है अपना एकदम से बढ़िया मूड बना के। दोनों जगह अनु जो होते हैं उन घर से निकलते हैं और एक जगह होटल भी डिसाइड रहता है, तो पहले से बुक नहीं रहता, वहाँ जा करके बुक करते हैं। तो ये होता है कि हम शहर में नहीं रहेंगे, शहर से थोड़ा कहीं दूर में जा कर रहेंगे। तो ये होता है कि दोनों अपनी जो है फोर व्हीलर से जाते हैं और जाने के बाद काफ़ी दूर जाते रहते हैं। तो ऐसे होता है कि चलते चलते देखेंगे जो बाहर से जिसका लुक बढ़िया दिखेगा उसी होटल में हम लोग स्टे कर लेंगे। तो ये हुआ कि पहले जाते हैं इधर उधर, वो अपना जो भी होता है थोड़ा मोड़ा घूमते घामते हैं, फिर उसके बाद जो है वहाँ से निकलते हैं। निकलने के बाद एक इनको ऐसे एकदम पुराने टाइप में ऐसा दिखता है होटल टाइप में, तो पसंद आता है कि एंटिक पीस लग रहा है, चलो इसमें चलते हैं, इसमें नाइट आउट करेंगे, मज़ा आएगा। और वाकई में एंटिक पीस होता है। तो वहाँ पर जब जाते हैं, जाने के बाद जो होता है कि वहाँ पे अपना आईडी कार्ड वगैरह देता है जगन, और फिर उसके बाद जो है उसका जो वर्कर होते हैं, और वर्कर देखने से ही पहले से ही एक अजीब से लग रहे थे, बहुत बुड्ढा सा जैसे लगता था कि यार एंटीक है तो रियली में एंटीक है, क्योंकि उसमें जो जो वर्कर था जो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट था वो भी एक बुड्ढा सा था, और जो उसमें एक दो लेबर थे इधर उधर करके वो भी सबके सब अधेड़ उम्र के थे, कोई भी उसमें जवान जहान नहीं था। तो इन लोगों को कोई मतलब नहीं था कि कोई हो कोई नहीं हो, क्या ही मतलब बनता है। उसके बाद दोनों अपने जाते हैं, और जाने के बाद ऐसे रात के करीबन 9 बज रहे थे। तो 9 बज रहे थे, फिर उसके बाद जो है एक अपने रूम में जाते हैं, की वगैरह मिलती है और अपना लॉक करके फिर उसमें जाते हैं, अपना बैग जो भी लेके आए थे कुछ उसमें जो भी सामान थे अपने, तो उसके बाद वो उसमें रखते हैं। और उस पर रखने के बाद फिर कहते हैं कि चलो अब चलते हैं एक आध दो घंटे कहीं बाहर से घूम के और उसके बाद आएंगे। तो फिर उसके बाद ऐसा, क्योंकि वो देखना था घूम के अपना पैदल, क्योंकि बहुत बड़ा वो था जो होटल था, तो एक बस ओल्ड मॉडल था, इसकी वजह से जो उसमें बहुत ज़्यादा कोई उसमें इन लोगों के सिवा, जगन और अनु के सिवा दूसरा कोई था भी नहीं, दिख नहीं रहा था। तो एक बार जो करीबन 8:30 के आसपास में हो रहे थे, तो ये लोग जाते हैं बाहर पूरा एकदम से होटल का जो है घूमते हैं एक आध डेढ़ घंटे। तो वहाँ जब घूमते हैं तभी से जैसे इनको मतलब कि इनके पीछे तो जो भी छलावा रहता है वो पड़ जाता है, बट इनको एहसास नहीं होता है, और हवाएं वगैरह तेज चलना, और जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने से जब वो अनु जहाँ जाती है वहाँ ऐसे सामने से लगता है कि एकदम जैसे लग रहा है कोई फूल की रानी और वो सब साफ़ सफाई कर देना, ऐसे आगे हवा से ही साफ़ हो जाता था कचड़ा वगैरह। लेकिन जब जगन था, जगन जब जाता था तो कहीं आगे लकड़ी आ जा रही थी, कुछ भी आ रहा था, ऐसे मतलब जैसे लग रहा था कि यहाँ कोई पीछे पड़ा हुआ है और जगन को मारना चाहता है अनु से, मतलब ऐसा लव टाइप में करता हो, पर दोनों का एहसास नहीं होता इसलिए क्योंकि पुराना था, तो लगता है कि हाँ चलो ठीक है होता है ऐसा करके, मतलब इसलिए गिर गए अपनी गलती। तो दोनों वास्ते भी हैं कि देख के नहीं चल रहे हो ये वो, मतलब हंसी स्टोरी जो है अपनी वो चलती रहती है। फिर उसको फाइनली करीबन 9:30 बजे के बाद ये लोग आते हैं और जो भी अपना खाना पीना जैसे भी करके बाहर ही खा लेते हैं। और उसके बाद जब आते हैं, आने के बाद क्या होता है कि ये जो जगन होता है, जगन बोलता है कि पहले तुम नहाओगी या हम नहा लेते हैं, फिर उसका फ्रेश हो लेते हैं, फिर उसके बाद जो है अपना ऐसे फिर मस्ती मजाक जो भी करेंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि अनु कहती है कि रुको मैं पहने नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद में जो है तुम नहाना। तो
अनु पहले जाती है नहाने के लिए। अनु जब जाती है तो वहाँ पे शावर जो होता है बहुत तेज हो जाता है, और शावर में से ऐसा लगता है कि मतलब गुलाब की सेंट आ रही है, और एकदम मस्त एकदम खुशनुमा जैसे लगता है कि एकदम मतलब हेवन टाइप में, एकदम से सुंदर एकदम माहौल एकदम खुशनुमा जैसे लगता है कि हम यहाँ आए ही नहीं धरती पे, ऐसा होता है फील। तो एकदम से फिर उसके बाद क्या होता है कि नहावा के बाद ये वापस तो टॉवल ले करके फिर अपना हंसी चुटुली करता है जगन जो होता है, और टॉवल खींच उच देता है, फिर वो कहते हैं नहीं पहले नहा के आओ। तो उसके बाद जो जगन जाता है नहाने के लिए, जब नहाने के लिए वहाँ जाता है जगन, तो उसके बाद उसका क्या होता है जो साबुन रखा होता है साबुन पे ऐसे पैर पड़ता है और जो है जगन वहाँ पे गिर जाता है। तो छलावे ने अपना रूप दिखा दिया, साबुन कुछ था ही नहीं वहाँ पे, और वो साबुन का रूप धर के आता है और ऐसे इसका पैर फिसल जाता है गिर जाता है। उसके बाद जो वहाँ पे गिर जाने के बाद क्या होता है वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद जो छलावा होता है वो जो है इसका रूप धर लेता है और जगन का, और जगन का रूप धरने के बाद जो वहाँ से बाहर निकलता है, और बाहर निकलता है तो उसके बाद एकदम से उसका मन तो पहले से छलावा ताकत था कि मैं इसके साथ जो है इस तरीके से प्यार करूं और जो भी चीज़ें हैं। तो आता है फिर उसके बाद इसके टॉवेल वगैरह खींचना खाँचना, बाल इधर उधर करना, और काफ़ी देरी तक हंसी ठिठोली वगैरह करना इस तरीके से होता है। तो वो भी एकदम से प्यार में रहती है और बहुत से चीज़ें नहीं कहते, नहीं आज सिर्फ बातें होंगी और कुछ भी नहीं होगा। तो जगन जो रहता है एकदम से मतलब जो उसका छलावा होता है वो एकदम से उतावला रहता है कि नहीं मुझे और भी कुछ करना है जो भी चीज़ें। तो ये जो होती है अन्नू कहती है कि नहीं रोज़ तो होता ही है, आज नहीं होगा। तो वो भी फिर कुछ देरी के बाद जो है धीरे धीरे मानता है कि हम धीरे धीरे सोचता है कि हम कर लेंगे। फिर उसके बाद एकदम से उसके जो है मतलब इधर उधर जो बाल उल हैं सहराना, और एकदम से ऐसी चीज़ें करता है कि पंखा उनके जो है अपना ऑटोमेटिक जो है चलना चलाना। उसके बाद उसको ये फील दिलाता है कि हाँ देखो मतलब कुछ भी तुम जो सोचोगे वही होगा, और सही में जो वो सोचती है ऐसे बोलता है कि आंखें बंद करके सोचने के लिए, तो वो जो सोचती है वही हो जाता है एसी बैठे बैठाए, क्योंकि छलावा था उसको कोई मतलब ही नहीं है जो भी है। और वो इस तरीके से छलावा जो इसको बहुत प्यार करने लगता है, और काफ़ी देरी हो जाती है, करीबन आधा पौना घंटा हो जाता है। पौने घंटे के बाद वो ऐसे मूड बनाते बनाते अन्नू का और जो है अपने कामयाब हो जाता है। ज्यों ही अन्नू जो होती है मूड बन जाता है और इंटीमेट होने वाले रहते हैं, त्यों जो है जगन ऐसे बाहर से जो है खोल दरवाज़ा मतलब चिल्लाने लगता है। तो इसका एकदम से ये मतलब जगन की आवाज़ उधर से आ रही थी और ये भी जगन ऐसे लेटा हुआ था, ये ऐसे उसको क्या करती है अन्नू धक्का मारती, और धक्का मारते ज्यों गिर जाता है। और गिरने के बाद जो होता है तो जगन वहाँ से दरवाज़ा पीट रहा था, तो वो जाती बाथरूम की तरफ, और ज्यों खोलती है तो खोलने के बाद जो है अपना वो उसे देख लेती कि जगन ही, और वो जो होता है कहता मैं नहीं, वो कहता मैं असली हूँ, कहता मैं असली हूँ। फिर उसका दोनों ऐसे करके अपना चिल्लाते रहते हैं। तो उसके क्या था कि जगन का जो था उसने चेहरा तो सब कुछ हूबहू बना लिया था, बट उसमें था कि जो उसके वहाँ पे एक तिल था इसके सीने के पास में, वो बड़ा सा तिल टाइप में था, वो चीज़ एकदम हूबहू नहीं थी। और दोनों के दोनों कपड़े निकाले हुए थे क्योंकि वो उस समय इंटीमेट होने वाला था और ये जो था नहाने गया हुआ था। तो वो देख लेती कि असली जगन को पहचान लेती है और उसको जो है ऐसे करके, तो दोनों जो होते हैं जोर से एकदम वो टॉवल लपेटी रहती है बट नंगे जो होते हैं दरवाज़ा खोल के से बाहर भागते हैं। तो वहाँ पे उसके बाद जो नीचे गार्ड जो होते हैं वह देखते हैं कि क्या हुआ ऐसा, जो भी ये पूछने करते हैं। तो कहते हैं तुम्हारा होटल है ये वो, अपना जो चिल्लाता है जगन। तो कहता अरे हमारा सर होटल ही है, आप तो बस पुराना है, इसमें क्या ही कहने की ज़रूरत है। तो उसके बाद कहता है हमें नहीं रुकना है और आप जाइए हमारे उस रूम में से, हमारे जो भी सामान है और चाबी लेके आइए। तो कहता है वो सब मना करते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मत जाइए सर। तो कहता है नहीं बस लेके आओ, बस मुझे जो भी था मैं आपका पेमेंट कर दूंगा, मुझे बस जाना है यहाँ से जो भी चीज़ है। तो उसके बाद जाते हैं उसका सामान लेके आते हैं, और लेके आने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, और जो भी छलावी की कहानी थी ना वो पूछना चाहते हैं, और वो तो जाहिर सी बात है होटल वाले बताएंगे नहीं। तो इस तरीके से अनु और जगन के साथ ये छलावे का कांड हुआ। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।